हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अमिता एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ में बहुत ही यमी और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये इवनिंग स्नैक्स में बहुत ही अच्छी लगती है, दही पूरी की रेसिपी है, तो आप अपने घरों में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या इन्ग्रीडियंट हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही में मैंने एक चम्मच शक्कर और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इसको अच्छे से फेट लिया है, बिल्कुल स्मूथ सा। और थोड़े से अनार के दाने निकाले हैं, ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं अनार के दाने इसलिए। और ये है इमली की चटनी, थोड़े से इमली को गुड़ के साथ में मैंने गला लिया है। और ये है ग्रीन चटनी, जो हम घर में नॉर्मली धनिए की या फिर कोई भी ग्रीन चटनी आप बना सकते हैं। और ये है बारीक वाला सेव, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने लिए थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो और इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और ये है हमारी पूरियाँ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं दही पूरी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती हैं और बहुत ही आसानी से बन सकती हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सारी पूरियों में इस तरीके से फोड़ लेना है थोड़ी सी, ताकि हम इसमें फिलिंग कर सकें। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। सबसे पहले डालेंगे बॉइल्ड पोटैटो, ये खाने में बहुत ही कमाल की लगती हैं फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बहुत आसान है इसको बनाना। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके लिए दही हमें बहुत ही थिक चाहिए, जैसी ये दिख रही है। और इसको मैंने अच्छे से फेंट ली है, बिल्कुल स्मूथ सी। अब हम डालेंगे मीठी चटनी, ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और खाने में तो बहुत ही कमाल की लगती है। तो आप जब भी चाहें इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब ये मैंने डाला है ग्रीन चटनी, और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम डालेंगे इसमें सेब बारीक वाले, आपके पास जो भी सेब हो आप वो डाल सकते हैं, बट ये से बारीक वाली सेब ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम डालेंगे इस पर चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। अब हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से अनार के दाने, जिससे देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं दोबारा से इसके ऊपर फिलिंग कर देती हूँ, ताकि ये पूरी भर जाए और खाने में दुगना मज़ा आए। तो बस फटाफट से दोबारा से सारी चीज़ें मैं ऊपर से डाल दे रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही अमेजिंग लगती है, तो आप इस रेसिपी को अपने घरों पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारी दही पूरी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। तो फ्रेंड्स सच में ये खाने बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल देख के ही मुँह में पानी आ जाता है। तो आपको मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घरों पर इस तरीके से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।